ऐसा कहीं विद्यालय बनवाइए तो हम आपको बढ़िया चंदा दें। ठीक है, कहीं विद्यालय बनवाइए, विद्यालय क्या, हाँ विद्यालय बनवाइए, विद्यालय बनवाइएगा तो वहाँ से विद्यालय से IAS PCS सीनियर इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे, लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे मान लो तो सही, इंजीनियर डॉक्टर निकलेंगे आवत है यहाँ। और जब आप मंदिर बनवाएंगे तो पुजारी बनेंगे, ऐसे गली गली भीख मांगेंगे। तो मंदिर बनवाइए, वो क्या नाम है, विद्यालय बनवाइए, ठीक है। और हम तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पुजारी हैं, हम यादव हैं, कहा जाता है कि हम यादव हैं, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। आज इस कुर्सी पर हम बैठे हैं तो मंदिर की देन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। बात समझ रहे हैं, अगर आप बाबा साहब ना होते, संविधान में न लिखे होते कि अहिर भी जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन के बैठे होते नहीं बैठे होते, तो हम किसकी पूजा करें, हम किसकी पूजा करें भाई, मान्यता भाई। तो हम अगर आज जौनपुर जिले में जिला पंचायत की हैसियत से यहाँ हम बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और ये देखिए बाबा साहब की मूर्ति, ये हमारे दिल के पास हमेशा रहती है भाई, तो एक नहीं। आज आप तो अभी आपको कुछ हो जाए तो FIR आप कराने जाएंगे तो किसके द्वारा कराएंगे, आप मंदिर जाएंगे कि या थाने जाएंगे, तो थाने जाएंगे, वहां जो आपके आपको न्याय मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा, भगवान शंकर के द्वारा मिलेगा या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा आप बताइए। कानून जो संसद बन चुकी है उसी द्वारा, कानून किसके द्वारा बना है आप बताइए, वही है, कौन है ये, अम्बेडकर नगर जो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो आपको न्याय किसके द्वारा मिलेगा। आपकी जमीन कोई कब्जा कर ले तो आप मंदिर में मत्था टेकोगे या जाओगे को न्यायालय में इनके संविधान के पास, संविधान के पास जाएगा। तो हमारे लिए भगवान कौन हुआ, वही है हमारे लिए बाबा साहब हमारे भगवान हुए, ठीक है। इसलिए हम बाबा साहब की मंदिर बनवाइए, बाबा साहब का विद्यालय बनवाइए, हम आपको कई लाख रुपया देंगे, ठीक है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाए।